आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र ने रोकी ऑक्सीजन सप्लाई। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का ऑर्डर दे दिया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के नेता शासन स्तर पर वार्ता शुरू उन्होंने कर दी है। सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार से इस आदेश को वापस ले लें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने आदेश जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य के प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन सिर्फ महाराष्ट्र को ही होगी। आदेश के बाद मध्य प्रदेश के ऑफिसर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत में गए हैं। आपको बता दें कि भोपाल इंदौर समेत 15 जिलों में हर रोज 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर कोविड-19 समेत ऑक्सीजन पर आधारित इलाज। केंद्र सरकार के एसओपी जारी। अलग अलग समय में चलेगी कक्षाएं। बनानी होगी 6 फुट की दूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 21 सितंबर से स्कूलों में 9वीं और 12वीं तक के कक्षाओं को चालू करने की छूट दे दी है, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालन किए जाना बिना स्कूलें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसमें सबसे अहम अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी रहेगी। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्कूल खोलने को लिए जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक जहां स्कूलों को हर कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना होगा, वहीं शिक्षकों को और छात्रों को स्कूल के स्टाफों को कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने की यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जमीन पर जगह 6 फुट दूरी यहाँ पर पूरी मार्केटिंग इसकी की जाएगी। वह स्कूल परिसर में छात्रों को आपसी में कॉपी किताबें पेंसिल पेन वाटर बॉटल आदि चीज़ें शेयर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वही शिक्षकों और छात्रों और अन्य स्टाफ को लगातार हाथ धोने और फेस मास्क पहनना होगा। वही स्कूल प्रबंधन को इधर उधर थूके जाने पर भी निगरानी करनी होगी। वही स्कूलों में प्रार्थना सभा भी आयोजित नहीं की जाएगी। वही एसओपी में स्कूलों को सलाह दी जाती है कि बंद कमरे की बजाय स्कूलों को खुले में कक्षाएं करवाई जाए। वहीं खुले में पढ़ाई करवाई जाए। स्कूल नहीं आने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी की जाए। वहीं स्कूल के अंदर मौजूद कैंटीन को बंद रखा जाए। वहीं रोजाना स्कूल खुलने से पहले पूरा परिसर सभी कक्षाएं प्रोटोकॉल लैब और बाथरूम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कराया जाए। खासतौर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए स्कूलों को पहले ही कई बार सैनिटाइज करना होगा। वही प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लैब के अंदर छात्रों के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए कम से कम बेंचें यहां पर लगाई जाएगी। साथ ही लैब के अंदर एक छात्र के लिए 4 वर्ग का गोला खींचा जाएगा। साथ ही महज 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ भी एक बार में बुलाने की यहां पर अनुमति होगी। जहां बायोमेट्रिक से हाजिरी का सिस्टम है, वहां स्टूडेंटों के लिए अन्य व्यवस्था करनी होगी। जहां भी संभव हो चुके आरोग्य सेतु ऐप यहां पर डाउनलोड कर निगरानी की व्यवस्था की जाए। यदि स्कूल आने वाले के लिए वाहन की व्यवस्था विद्यालय कर रहा है तो उसे भी हर रोज सैनिटाइज करना होगा। वही स्कूल प्रबंधन को अपने यहाँ थर्मल स्क्रीनर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में प्रवेश से पहले पूरे स्टाफ और बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। वही ऑक्सीजन लेवल मापने की व्यवस्था यहाँ पर करनी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाने होंगे। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर स्कूलों में उपलब्ध ये छात्रों के लिए करवाएंगे। वही डस्टबिन कहीं पर खुला नहीं रहना चाहिए। सफाई कर्मी रखने से पहले उसे सैनिटाइज करने के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। वही किसी भी क्वारंटीन जोन से आने वाले छात्र या शिक्षकों को कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा। वही बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को स्कूल से दूर रखना होगा। वही थर्मल स्क्रीनिंग में किसी के पॉजिटिव होने के शक होने पर उसे आइसोलेट करना होगा। वही आइसोलेट करने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों को जानकारी दे दी जाएगी। बीएस के स्टूडेंटों को रेलवे ने दी बड़ी राहत। एग्जाम के लिए लोकल ट्रेनों में कर सकेंगे सफर। रेलवे ने जो जानकारी दी उसके तहत एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेटों को अपने एग्जाम वाले दिन अपने कॉलेज का आई कार्ड और एग्जाम हॉल का टिकट लेकर रेलवे स्टेशन को पहुंचे या रेलवे की टिकट के साथ डॉक्यूमेंट दिखाकर वे स्पेशल लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। MBBS फाइनल ईयर की समर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस मंगलवार से शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने रेलवे कैंडिडेटों को स्पेशल लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कहा था। इसके बाद रेलवे ने इस राहत का ऐलान किया है। MBBS स्टूडेंटों के लिए एग्जाम 1 अक्टूबर तक चलेगा। वही वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर के मुताबिक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से मिली रिक्वेस्ट के बाद रेलवे ने कैंडिडेटों को राहत दी है। वे परीक्षा के दिन अपने स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ स्टेशन पर आ सकते हैं। वही
हॉल टिकट को दिखाकर वह लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं, जिससे जिन स्टेशनों पर जरूरत होगी वह एक्स्ट्रा काउंटर यहाँ पर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टूडेंटों को कोविड 19 के प्रोटोकॉल को पालन करना होगा। भारत में पिछले 24 घंटों में निवासी दर कोरोना के नए मामले 1125 लोगों की हुई है मौत। देश में कुल मरीजों की संख्या 43 लाख हो गई है। भारत देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 43 लाख पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 89,000 नए मामले सामने हैं, जबकि 1125 लोगों की मौत हुई है। वही 9 लाख केस अभी भारत में एक्टिव है। इस बीच शेमान ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 90,000 नए कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। वहीं 1125 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच भारत में 9 लाख से अधिक कोरोना मरीज एक्टिव है। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिलिंग के एक बयान में कहा गया कि भारत में कंजिविटेड प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 मरीजों को कम करने की तादाद में मदद नहीं की है। शेमार का यह बयान उस वक्त आया है जब देश के कई राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है। वह देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच संगठन ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा है कि आखिर महामारी नहीं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के देशों में भविष्य में आने वाले बड़े संकटों को लेकर तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े संकट से हमें निपटने के लिए पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। वहीं झारखंड में कोरोना के 2600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 2682 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या यहाँ पर 54,502 हो गई है। 12 संक्रमितों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 494 हो गई है। वहीं 2652 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में कुल 39,134 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,874 है। वहीं बिहार में अब तक कुल 43,28,000 लोग यहाँ पर टेस्ट सैंपलिंग की जा चुकी है, जिनमें 150,694 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक पॉजिटिव पाए गए संक्रमितों में से 1,034 निवासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने वाले लोगों में 765 लोगों की मौत बिहार में हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया महिलाओं को तोहफा, हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। सूबे की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने स्वयं सेवी समूह के विनिर्माण और वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत एक समझौता पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। एमयू के अनुसार बच्चों के पोषण के लिए टेक होम राशन स्वयं सेवी समूह के जरिए ही वितरित किया जाएगा। वही बुधवार को हुए एमयू के मुताबिक पहले चरण में लगभग 30% टेक होम वितरित राशन किया जाएगा। इस पर काम किया जाएगा विश्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को उत्तर प्रदेश बाल पोषण विभाग तक पहुंचाया जाएगा। इस सहयोग के माध्यम से लगभग 200 महिलाएं एसएचजी उद्यम को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आजीविका मिशन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के समझौते से 3,000 से अधिक स्वयंसेवी समूहों को से जुड़ी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 240 दिन का रोजगार उन्हें उपलब्ध होगा। इससे प्रति महिला को 5,000 से 7,000 रुपये महिलाएं कमा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रारंभिक चरण में ये कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों के 204 विकास खंडों में चलाया जाएगा। एक साल में 1200 करोड़ रुपये की पूंजी वितरित की जाएगी। लगभग 160 करोड़ रुपये का लाभ यहाँ पर प्राप्त करने के बाद लघु उद्योगों को धन वितरित किया जाएगा। लघु उद्योगों को राज्य के सरकारी विभागों को अपने उत्पादों की आपूर्ति में इसमें कराई जाएगी। इसमें ज्यादातर उत्पाद बाल विकास और पोषण विभाग के पास जाएंगे। पर्यटकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा प्लान, लोगों को देगी 1,000 रुपए के इंसेंटिव कूपन। गर्मियों का मौसम आते ही पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भीड़ से पहाड़ी इलाके गुलजार हो जाते हैं। खासतौर पर उत्तराखंड की वादियों की सैर के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, मगर कोरोना के चलते इस बार टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। लोग संक्रमण के डर से चलते घूमने कम ही जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत वहां आने वाले लोगों को 1,000 रुपये का इंसेंटिव कूपन दिया जाएगा, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना है कि पर्यटकों को ज्यादा संख्या में आने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें ये विशेष डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। ये ऑफर उन पर्यटकों को मिलेगा जो उत्तराखंड के होटलों में 3 दिन के लिए ठहरने के लिए ई बुकिंग कराएंगे। कूपन लेने के लिए ऐसे लोगों को पर्यटक श्रेणी के तहत सरकारी पोर्टल स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कराना होगा। ऐसा करने पर राज्य पर्यटन स्थलों में एक होटल होमस्ट में अपने प्रवास के दौरान कूपन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। वहीं सरकार ने इस योजना का नाम वाउचर स्कीम रखा है। सरकार ने जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में पिछली बुकिंग करने वाले पर्यटकों का पैसा रिफंड करने का भी वादा किया है, क्योंकि कोविड 19 के कारण
अभी यह जगह पर्यटकों के लिए बंद है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है, हर साल यहां लाखों लोग घूमने आते हैं, इससे सरकार को अच्छा राजस्व भी मिलता है। वैसे कोरोना काल में पर्यटकों का दिलचस्पी दोबारा जगाने के लिए सरकार समेत होटल मालिक तरह तरह के डिस्काउंट दे रहे हैं। बाहर से घूमने आने वाले लोगों के लिए यहाँ किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन भी यहाँ पर तय की गई। इसके तहत यात्रियों को कोविड 19 नेगेटिव की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। आपको बता दें कि ये 72 घंटे पुरानी ये रिपोर्ट कोरोना की होनी चाहिए, यानी राज्य में एंट्री से पहले उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें राज्य में प्रवेश मिल सकेगा।